हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए डॉक्टर अमित खांडल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीए डॉक्टर अमित खांडल टैक्स गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजंस बताने वाला हूं। डियर, इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और इस चैप्टर में मैं आपको टीडीएस के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे कंप्लीट मैं आप लोगों को यहां पर डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला सेक्शन दोस्तों, जो आप लोगों को टेबल नजर आ रही है स्क्रीन पर, पहला सेक्शन जिसका नंबर है 192। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन 192 है ना, दैट इज इन रिलेशन टू सैलरी माय डियर फ्रेंड्स। ये सेक्शन सैलरी से रिलेटेड है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, सैलरी वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर नेचर ऑफ पेमेंट सैलरी लिखा है। अच्छा, ये टेबल आपको मिलेगी कहां पर, ये मैं हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां आपको लिंक शेयर कर दूंगा दोस्तों। आप उस लिंक शेयर को ओपन करके देखिएगा, वहां आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और ये जो नोट्स मैं आप लोगों को शेयर करूंगा दोस्तों, उसका जो पेज नंबर 91 है, पेज नंबर 91, वहां पर आप लोगों को ये कंप्लीट टेबल मिल जाएगी दोस्तों। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, मेरे साथ बने रहिएगा। पहला सेक्शन है 192 सैलरी। दोस्तों, सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है ना। और मैं बता दूं आप लोगों को, यहां पर ये जो टेबल है इसमें आप लोगों को नेचर ऑफ पेमेंट पढ़ना है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, पेयर है, पेई है, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस माय डियर फ्रेंड्स, हम टीडीएस रेट क्या लगाएंगे, एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ डिडक्शन। दोस्तों, यहां पर टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा इसके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, मेरे साथ बने रहिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो पहला सेक्शन हमारा है सैलरी। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहला सैलरी सेक्शन बता रहा हूं। दोस्तों, सैलरी 192 में टीडीएस डिडक्ट होता है। और मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम होता है। और व्हाट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है दोस्तों, वो 2,50,000 रुपए, 3 लाख रुपया है पूरे ईयर का, 2,50,000, 3 लाख है। अगर किसी बंदे का, कोई नॉर्मल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, अगर उसका सैलरी जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो हम उसका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, सैलरी में जो टीडीएस का रेट होता है ना, वो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स होता है। सर, ये एवरेज रेट क्या चीज है? दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी सेक्शन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे उन सभी सेक्शंस में टीडीएस का कोई ना कोई रेट आपको मिल जाएगा, है ना, कोई ना कोई रेट आपको मिल जाएगा। लेकिन सैलरी वाले सेक्शन में 192 में दोस्तों, पर्टिकुलरली 192 की बात कर रहा हूं, इस सेक्शन में आप लोगों को टीडीएस का कोई रेट गिवन नहीं है। हाँ दोस्तों, कोई रेट आपको यहां पर गिवन नहीं है। तो यहां जो भी टीडीएस का रेट डिडक्ट होगा वो एवरेज रेट से होगा दोस्तों, आपको एवरेज रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर पेयर कौन होगा भाई, जो सैलरी पे करेगा, सैलरी कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। तो बट ऑब्वियस है कि यहां पर जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस को डिडक्ट करेगा दोस्तों। और किसका टीडीएस डिडक्ट होगा ये भी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, पेई का। पेई कौन होगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉई, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉई है ना उसका टीडीएस यहां पर डिडक्ट होने वाला है। व्हाट इज द रेट, एवरेज रेट का क्या मतलब है सर? सर, ये जो आप एवरेज रेट बार बार बोल रहे हो, इस एवरेज रेट का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है सर एवरेज रेट का? तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर एवरेज रेट का जो मतलब है, एवरेज रेट का जो मतलब है ना दोस्तों, वो बताए क्या है यहां एवरेज रेट का मतलब? यहां एवरेज रेट का मतलब है सीधा सीधा आपका जो स्लैब रेट होता है। यहां कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है दोस्तों टीडीएस की, स्लैब रेट। हां जी, स्लैब रेट, स्लैब रेट होती है ना, 250 तक नल, 250 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके और 10 लाख तक 20%, फिर अगर 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो 30% माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। अच्छा, वो जो टैक्स कैलकुलेट होता है, वो जो टैक्स कैलकुलेट होता है दोस्तों,
वो आपको टैक्स डिडक्शन के रूप में करना होगा। हाँ जी बिल्कुल, एवरेज रेट लगानी पड़ेगी। एवरेज रेट मैं आपको बता दूं, एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ डिडक्शन, व्हाट इज द टाइम ऑफ डिडक्शन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहां पर जो टाइम ऑफ डिडक्शन होगा वो होगा दोस्तों पेमेंट के समय। हाँ जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पेमेंट के समय टैक्स डिडक्शन आपको पेमेंट के समय करना पड़ेगा। ड्यू बेसिस पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता है सैलरी में। सैलरी में जो भी टैक्स डिडक्शन होता है दोस्तों, वो टैक्स डिडक्शन हमेशा पेमेंट के समय होता है। सर आपने तो हमें सेक्शन 15 में जब सैलरी चैप्टर बताया था, आपने बोला था कि सैलरी चार्जेबल टू टैक्स होती है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, और आप 192 सेक्शन में कह रहे हो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है, आपने सेक्शन 15 में कुछ भी पढ़ाओ, चार्जेबिलिटी अलग मैटर है और टीडीएस को डिडक्ट करना अलग मैटर है। तो एम्प्लॉय को सैलरी मिले या ना मिले, अगर वो उसको ड्यू हो गई है तो वो उसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। लेकिन दोस्तों जो एम्प्लॉयर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है माई डियर फ्रेंड्स, वो टीडीएस को तभी डिडक्ट करेगा जब वो पेमेंट करेगा एम्प्लॉय को, अदरवाइज नॉट माई डियर फ्रेंड्स। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एम्प्लॉयर करता क्या है जी, पूरे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ले लेता है, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, उसके डिडक्शंस कितने हैं, उसकी अदर इनकम्स कौन कौन सी हैं, जो भी एम्प्लॉय उसको रिपोर्ट करेगा उसके बेसिस पर एम्प्लॉयर क्या करता है दोस्तों, एम्प्लॉयर उसकी कैलकुलेशन करता है टैक्स की, और यहां स्पेसिफिक रेट से नहीं करता है, जो स्लैब रेट होती है उससे करता है। फिर वो जो स्लैब रेट होती है ना माई डियर फ्रेंड्स, वो जो स्लैब रेट होती है उस स्लैब रेट के बेसिस पर टैक्स का डिडक्शन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब रेट। तो भाई जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय की इनकम मान लो जी 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया पे मान लो जी डिडक्शन वगैरह माइनस करने के बाद 9 लाख बचा, 9 लाख इज द टैक्सेबल इनकम। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा दोस्तों, उस 9 लाख पर टैक्स कैलकुलेट करेगा। टैक्स कैलकुलेट करना आता है आप लोगों को, 2,50,000 तक जीरो, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% ले लो, 5 लाख से 9 लाख तक 20% ले लो, जो भी टैक्स कैलकुलेट होकर आएगा उसमें सेस वगैरह जोड़ लो, है ना, सारा काम कर लो जो कर रहे हैं। फिर उस पूरे टैक्स को 12 महीने में एम्प्लॉयर पर मंथ बेसिस पर डिडक्ट करेगा, सो दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट। अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि टैक्स का डिडक्शन फर्स्ट मंथ में कम हुआ है और बाद के मंथ में उसको लग रहा है कि यार इसका एम्प्लॉय का सैलरी और इंक्रीज होगा, तो जो टैक्स डिडक्शन उसने कम किया पहले के मंथ्स में, वो आने वाले मंथ्स में ज्यादा डिडक्ट कर सकता है। या पहले के मंथ्स में अगर ज्यादा डिडक्ट हो गया है दोस्तों, तो आने वाले मंथ्स में कम डिडक्ट कर सकता है। तो ये जो सारी बात है, ये सारी बात डियर एम्प्लॉयर के ऊपर है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे? हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जी, अगले पॉइंट की ओर, 192A, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये एक प्री मैच्योर विड्रॉल की बात हो रही है, प्री मैच्योर विड्रॉल। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो प्री मैच्योर विड्रॉल होता है इसका मतलब ये है कि जी एम्प्लॉई ने पैसे निकाल लिए प्रोविडेंट फंड में से। दोस्तों आपको बता दूं, अगर प्रोविडेंट फंड में से आप पैसे निकालोगे और वो भी प्री मैच्योर विड्रॉल करोगे, प्री मैच्योर का मतलब होता है जी आपने पहले ही निकाल लिया रिटायरमेंट से पहले। तो दोस्तों यहां लिखा है कि जब जब अमाउंट 50,000 रुपए या उससे ज्यादा होगा, ये देखो आप यहां पर इक्विलियंट का भी साइन है, 50,000 के बराबर या उससे ज्यादा अगर आपको पेमेंट मिलता है, अगर आपको पेमेंट मिलता है 50,000 या उससे ज्यादा, एग्रीगेट का मतलब है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको एक से ज्यादा बार पेमेंट मिला है तो उसको हम एग्रीगेट करके देखेंगे। पूरे ईयर की लिमिट है दोस्तों, पूरे ईयर की लिमिट है ये, तो हम पूरे ईयर की लिमिट लगाएंगे यहां पर और हम उसको एग्रीगेट करके देखेंगे दोस्तों। अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो दोस्तों मानकर चलिए टैक्स का डिडक्शन होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। और डिडक्शन करेगा कौन? ट्रस्टी करेगा, ट्रस्टी, जितने भी ट्रस्टी होते हैं ना ट्रस्टी, वो टैक्स का डिडक्शन करेंगे दोस्तों। टैक्स का डिडक्शन ट्रस्टीज के द्वारा किया जाएगा, मैं बता दूं आप लोगों को, ट्रस्टी करेगा टैक्स का डिडक्शन। और किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय जिसने पेमेंट उठाया है उसका डिडक्शन होगा दोस्तों।
और मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर टीडीएस की रेट 10% है, यहां कोई एवरेज रेट नहीं है। सर अगर मान लीजिए 50,000 लिमिट है और अगर हमारा अमाउंट 80,000 होता है तो टीडीएस कितने पे डिडक्ट होगा सर? 80,000 में 30,000 पर होगा या पूरे 80,000 पर होगा? तो जरा सोचिए कितने पर होना चाहिए दोस्तों। अगर 50 से ज्यादा है तो फिर पूरे होल अमाउंट पर टैक्स डिडक्ट होता है। इफ द अमाउंट इज 80,000 माई डियर फ्रेंड्स, अगर ये अमाउंट 80,000 रुपये है तो मानकर चलिएगा 80,000 पर 10% मतलब 8,000 की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर पेई ने अपना पैन नंबर नहीं दिया, डियर जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है ना रेसिपियंट का जो पेई है, अगर वो पैन नहीं देता है, क्योंकि पैन नंबर देना बहुत जरूरी है वरना सोचो एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करेगा कैसे। एवरी डिडक्टर को पैन नंबर सबमिट करना बहुत जरूरी है। अगर आप पैन नंबर सबमिट नहीं करोगे तो एम्प्लॉयर टैक्स का डिडक्शन कैसे करेगा? दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। तो यहां पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगेगी फिर। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट? तो मैं बता दूं दोस्तों, मैक्सिमम मार्जिनल रेट है 30%। 30% की रेट से टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा। हाँ दोस्तों, सर ये टीडीएस डिडक्ट होगा कब? दोस्तों एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मैं बता दूं दोस्तों, ये टैक्स का डिडक्शन पेमेंट के समय ही होगा। तो आपने 192 पढ़ लिया, 192A पढ़ लिया। इन बोथ द सिचुएशंस टैक्स का डिडक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो अगला सेक्शन आ जाता है हमारे सामने 193। हाँ जी 193 दोस्तों, 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात हो रही है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दोस्तों, जब जब सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और अगर वो इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, दोस्तों अगर इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आपको इंटरेस्ट एक बार मिले या एक बार से ज्यादा मिले, ये जो लिमिट यहां पर बताई गई है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये लिमिट एग्रीगेट है। तो आपको जिस कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपनी पूरे ईयर में देखेगी कि उसने इंटरेस्ट कितना पे किया है। दोस्तों अगर ये इंटरेस्ट आपको सेविंग बॉन्ड्स पर मिलता है, सेविंग बॉन्ड भी दो तरह के हैं, एक 2003 में इशू हुए थे, एक 2018 में इशू हुए थे। अगर वो इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज्यादा है, देखो बराबर पे नहीं काटना है, आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर वाले सेक्शन में इक्वल होने पर भी काटना था, यहां 10,000 से ज्यादा होने पर ही काटना है टीडीएस, और तो क्या काटना है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो 10,000 से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट पे किया जाएगा सिक्योरिटीज पर, दोस्तों सिक्योरिटी का मतलब होता है डिबेंचर बॉन्ड। हाँ जी, तो सर फिर ये एक और लिमिट 5,000 किसकी दी हुई है? दोस्तों 5,000 है डिबेंचर्स के केस में। ये देखिए, ये जो 5,000 की लिमिट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये लिमिट माय डियर फ्रेंड्स डिबेंचर्स के केस में है। हाँ जी, अगर डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कौन पे करेगा डिबेंचर पर इंटरेस्ट? पब्लिक कंपनी पे करेगी। अगर पब्लिक कंपनी किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को, जरा हाईलाइट करिएगा रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF को, ये जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF होते हैं ना, इनको जब जब इंटरेस्ट मिलता है, हाँ जी इंटरेस्ट, तो लिमिट 5,000 होती है। 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट अगर पूरे ईयर में दिया जाएगा तो दोस्तों टीडीएस डिडक्ट होगा, बाकी नो थ्रेस होल्ड लिमिट इन एनी अदर केस। तो मैं आपको बता दूं डियर, जो थ्रेस होल्ड लिमिट है टीडीएस की वो बॉन्ड्स के केस में है, और जो पब्लिक कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसके इंटरेस्ट के केस में है। अदरवाइज माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कोई भी इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, मतलब थ्रेस होल्ड लिमिट की बात नहीं है। एनी अदर केस का मतलब जो ऊपर वाले दो केसेस हैं उनको छोड़ दो,
बाकी सब अदर केस हैं। अगर आप फर्म कंपनी को दे रहे हो इंटरेस्ट, तो इट इज ऑल्सो कवर्ड इन अदर केस, और इंटरेस्ट पर टीडीएस कटेगा। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, सर यहाँ टीडीएस डिडक्ट करेगा कौन, तो मैं बता दूं डियर, यहाँ टीडीएस डिडक्ट करेगा कोई भी पर्सन जो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है सिक्योरिटीज पर। जो पर्सन पे करेगा, जो पेयर होगा, वही टैक्स को डिडक्ट करेगा। और जिसका डिडक्ट होगा वो कौन होना चाहिए बताओ, बताओ कौन होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। सर ऊपर वाले सेक्शंस में तो रेजिडेंट नहीं आया, तो दोस्तों वहां पर रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी। लेकिन अगर 193 में टैक्स का डिडक्शन कर रहे हैं, तो पेई का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। सर अगर पेई रेजिडेंट नहीं हो तो 193 में, तो दोस्तों 193 में टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। तो सर आप क्या कहना चाहते हो, नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्स का डिडक्शन नहीं होता है क्या? अरे होता है भाई, होता है, लेकिन उसका सेक्शन अलग है ना, फिर वो नॉन रेजिडेंट्स के सेपरेट सेक्शन है। तो हम यहां पर 193 में टैक्स का डिडक्शन तब ही करेंगे जब सामने वाला पर्सन रेजिडेंट हो। क्या होना जरूरी है बताओ, बताओ, रेजिडेंट, रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। सर यहां पर व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? 10% होती है दोस्तों। सर मान लो सेविंग बॉन्ड पर 10 की जगह 12,000 इंटरेस्ट मिला, 12,000 इन अ ईयर, तो कितने पर डिडक्ट होगा? दोस्तों 2,000 पे डिडक्ट नहीं होगा, पूरे 12,000 पर होगा। हाँ जी सर, इसमें टीडीएस डिडक्ट होता कब है? और सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि पैन नंबर नहीं देंगे तो व्हाट इज द रेट। दोस्तों यहां 193 में और ऑनवर्ड्स जितने भी सेक्शंस हैं माय डियर फ्रेंड्स, 193 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी सेक्शंस हैं, उनमें अगर पेई अपना पैन नंबर सबमिट नहीं करेगा, अपना पैन अगर सबमिट नहीं करेगा, तो वहां एमएमआर जो होती है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, उससे टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। तो सर फिर कौन सी रेट से टैक्स डिडक्ट होता है? तो मैं बता दूं दोस्तों, वहां पर 20% रेट लगती है, और 20% रेट वाली बात जब ये टेबल का एंड होगा वहां बताऊंगा। तो केवल एक ही सेक्शन है 192A, जहां पर एमएमआर लगेगी पैन नंबर नहीं देने पर, याद रखना इस बात को। एमएमआर का मतलब होता है दोस्तों सीधा सीधा 30%। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ 192A, 193 एंड ऑन वर्ड्स माई डियर फ्रेंड्स, वहां पर एमएमआर नहीं लगेगी, वहां पर 20% वाला केस एप्लीकेबल होगा, 20% वाला। एंड वॉट इज द रेट ऑफ टीडीएस? मैं बता दूं दोस्तों, वहां पर रेट ऑफ टीडीएस होती है 10%। जो टीडीएस की रेट है ना, टीडीएस की रेट वो 10% होती है। सर एक बात और बताओ, इसमें डिडक्शन होता कब है? तो मैं बता दूं डियर, जिस समय इंटरेस्ट ड्यू होता है, जिस टाइम पर इंटरेस्ट ड्यू होता है, उसी टाइम पर, जिस टाइम पर इंटरेस्ट ड्यू होता है और जिस टाइम हम उसका पेमेंट करते हैं, विच एवर इज अर्लियर, ये देखिए लिखा है यहां पर, आप देख सकते हैं, ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर। सपोज कोई कंपनी इंटरेस्ट का ड्यू तो 31 जुलाई को कर देती है, लेकिन पेमेंट 15 या 20 अगस्त तक करती है, तो बताओ दोस्तों वो डिडक्शन करेगी कब? 31 जुलाई को करेगी या 20 अगस्त को करेगी? विच एवर इज अर्लियर? 31 जुलाई को करेगी। सर अगर पहले पे कर दे तो? नॉर्मली डियर कोई कंपनी पहले पे नहीं करती, लेकिन फिर भी कर दे, सपोज 31 जुलाई इज द ड्यू डेट माई डियर फ्रेंड्स, लेकिन पेमेंट सपोज 20 जुलाई को ही हो गया, तो दोस्तों हमें टीडीएस जो टैक्स डिडक्शन है वो 20 जुलाई को ही करना होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 193 क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन की ओर हम बढ़ेंगे, जिसका नाम है 194A। दोस्तों ये जो 194A है ना, 194A दैट इज ऑल्सो इन रिलेशन टू इंटरेस्ट। लेकिन दोस्तों यहां पर जो इंटरेस्ट होता है ना, ये अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है। हम यहां पर जिस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है दोस्तों, ये सिक्योरिटीज वाला इंटरेस्ट नहीं है माई डियर फ्रेंड्स। हाँ जी, तो सर ये कौन सा इंटरेस्ट है 194A में? ये वो इंटरेस्ट है दोस्तों, ये वो इंटरेस्ट है जो हमारे सेविंग अकाउंट में, जो एफडीज वगैरह होती है ना, एफडी वगैरह होती है सेविंग अकाउंट में, उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसकी बात हो रही है यहां पर।
अगर 40,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर, 40,000 लिमिट है दोस्तों, ये लिमिट भी चेंज हुई है, ये लिमिट 40,000 हो गई है इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, आप एक बार नोटिस करिएगा यहां लिखा है 40,000, 40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है, बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट देती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको इंटरेस्ट देती है, कोई पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट देता है, इन ऑल दी अबव केसेस इफ द पे इज अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। लेकिन दोस्तों अगर बैंकिंग कंपनी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं इन ऑल दी थ्री सिचुएशंस, लेकिन पेई जो है ना, पेई अगर वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, ओनली सीनियर सिटीजन नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो दोस्तों ये लिमिट 50,000 हो जाती है, 50,000। तो अगर सीनियर है, रेजिडेंट है तो 50 होगी। अच्छा मुझे बताओ, सीनियर तो है, पेई सीनियर है दोस्तों, लेकिन रेजिडेंट नहीं है इंडिया में, तो व्हाट वुड बी द लिमिट? तो दोस्तों फिर लिमिट 40,000 ही लगेगी। तो लिमिट दो है, 40,000 और 50,000। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपको इंटरेस्ट 40,000 या 50,000 से ज्यादा मिलता है तो TDS जरूर डिडक्ट होगा डियर, और ये वो इंटरेस्ट है जो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट नहीं है, इसमें FD है, सेविंग अकाउंट है, डिपॉजिट्स हैं, उनके इंटरेस्ट आते हैं। सर यहाँ TDS डिडक्ट करेगा कौन? एनी पर्सन दोस्तों, हर पर्सन करेगा, बैंक भी कर सकता है, दूसरे लोग भी कर सकते हैं। सर एक बात बताओ, आप ये कहना चाह रहे हो जैसे मैंने किसी से पैसा उधार लिया मिस्टर ए से, मेरे फ्रेंड से, तो क्या मिस्टर ए भी जब मुझे पेमेंट करेगा तो टैक्स डिडक्ट करेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, पैसा उधार अगर ए ने लिया है और वो इंटरेस्ट दे रहा है तो टैक्स डिडक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों वहां 5,000 की लिमिट है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो बैंकिंग कंपनी में तो 40,000 और 50,000 की लिमिट है इन अ फाइनेंशियल ईयर, अदर केसेज में 5,000 की लिमिट है। अदर केसेज कौन से होते हैं? जहां इंटरेस्ट का पेमेंट बैंकिंग कंपनी नहीं कर रही हो, अदर केसेस उनको बोलते हैं डियर। जैसे हम लोग आपस में पैसा उधार लेन देन करते हैं बिजनेस में, तो वहां पर 5,000 की लिमिट एप्लीकेबल है माय डियर फ्रेंड्स। 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उस पर भी टैक्स डिडक्ट होता है। सर एक बात बताओ, ये जो है ये डिडक्ट करेगा कौन? एनी पर्सन करेगा, जो भी पेमेंट करेगा, बैंकिंग कंपनी पेमेंट करेगी, बैंकिंग कंपनी TDS डिडक्ट करेगी, अदर पर्सन पेमेंट करेगा, अदर पर्सन टैक्स डिडक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों जो पेयर है ना, पेयर, वो पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है, बस अदर देन इंडिविजुअल और HUF है ना। अगर पेयर इंडिविजुअल HUF है तो उसको टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर पेयर इंडिविजुअल HUF है तो वो कभी भी टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा? नहीं दोस्तों, करेगा, वो भी करेगा, लेकिन वो कब करेगा? जब उस इंडिविजुअल HUF के बुक्स का ऑडिट होता हो, 44AB में प्रीसीडिंग ईयर में ऑडिट हुआ हो। सपोज करो डियर, मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है 19-20 और मैं इंडिविजुअल हूं, मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं सामने वाले पेई को, तो दोस्तों मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा प्रीवियस ईयर अगर 19-20 है तो 18-19 प्रीवियस ईयर में मेरी बुक्स का ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ था। अगर दोस्तों मेरा ऑडिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ था तो मैं 19-20 में एज ए इंडिविजुअल और HUF किसी को भी इंटरेस्ट पे करूंगा तो मैं टैक्स डिडक्शन नहीं करूंगा, चाहे वो 40,000 50,000 की लिमिट क्रॉस करे, बट मैं टैक्स डिडक्शन नहीं करूंगा। हाँ, अगर 19-20 में मैं इंडिविजुअल HUF हूं एज ए पेयर और मेरा पिछले साल 18-19 का टर्नओवर क्रॉस कर चुका है मॉनिटरी लिमिट, ऑडिट वाली लिमिट, याद है आपको, प्रोफेशनल के केस में 50 लाख होती है, बिजनेस वाले के केस में 2 करोड़ होती है, 2 करोड़ नहीं सॉरी 1 करोड़ होती है, 2 करोड़ तो 44AD की लिमिट होती है। तो प्रोफेशनल केस में आपका 50 लाख से ज्यादा है, बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा है, या आप 44AD AE वाले सेक्शंस में कवर होते हो लेकिन आप जो AD और AE में प्रॉफिट दिखाना है उससे नीचे दिखाते हो, लोअर दिखाते हो, तो भी आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। तो जिन जिन लोगों का ऑडिट हुआ है ना 44AB में, और अगर वो इंडिविजुअल HUF है तो उनको टैक्स काटना है, बाकी इंडिविजुअल HUF एज ए पेयर कभी भी टैक्स डिडक्शन नहीं करेंगे 194A में, मैं बता दूं आपको। और पेई का दोस्तों यहां पर भी रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है,
यहां पर भी पेई का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस, मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर जो रेट ऑफ टीडीएस है ना वो 10% होगा, 10%। सर एट व्हाट टाइम टैक्स वुड बी डिडक्टेड, दोस्तों वही ड्यू और पेड विच आवर इज अर्लियर। अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू पहले हो जाता है या पेड पहले हो जाता है, जो भी काम दोनों में से पहले होगा उसी बेसिस पर टैक्स का डिडक्शन होगा माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो 193 एंड 194 ए बोथ आर रिलेटेड टू इंटरेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। इन 193 हमने क्या सीखा, 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, हमने 194 ए में क्या सीखा दोस्तों, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये सेक्शंस क्लियर हुए होंगे। इसमें हमने 192 को कवर किया, हमने 192 ए को कवर किया प्री मैच्योर विड्रॉल, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, और 194 माय डियर फ्रेंड्स इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है डियर इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है 2 सेकंड लगेंगे, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, क्योंकि ये टीडीएस का हमने फर्स्ट पार्ट बनाया है, जल्द ही आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, थर्ड पार्ट मिलेगा, हम पूरा टीडीएस के प्रोविजंस को यहां रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स।